पंजाब दे विच बनी भगवंत मान सरकार लगातार एक्शन मोड दे विच है, लगातार बड़े फैसले ले जा रहे ने, वड्डियां कारवाइयां कीतियां जा रही ने। ताज़ा मामला सामने आया लुधियाना दे पिंड बलीएवाल दा, जिथे गैर कानूनी माइनिंग नूं लै के पंजाब पुलिस दे वल्लों वड्डी कारवाई की गई। बीते दिनी भगवंत मान दे वल्लों एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया सी, तां उस नंबर ते लगातार शिकायतां आ रही ने। यह मामला जिहड़ा उस शिकायत दे उपर दर्ज किया गया और इस मामले की पैरवाई करते हुए पांच लोगों के खिलाफ बाय नेम परचा दर्ज किया गया। दस दिए कि बलीएवाल पिंड दे विच गैर कानूनी माइनिंग हो रही सी और इसकी शिकायत आ जिहड़ी उस नंबर ते दर्ज करवाई गई सी। तां एक दिन बाद पंजाब पुलिस दे वल्लों सारी कार्रवाई की गई, बाय नेम पांच आरोपियों ते मामला दर्ज किया गया। इस मौके तीन टिप्पर और एक JCB मशीन आ जिहड़ी वह भी अपने कब्जे दे विच लई गई है। तस्वीरां दे विच देख सकते हो किस तरीके दे नाल गैर कानूनी माइनिंग का पर्दाफाश किया गया है और किसी ने यह वीडियो बना के मैसेज बना के 9501200200 इस नंबर ते यह वीडियो मैसेज भेजा गया, जिस तों बाद एक दिन बाद पंजाब पुलिस दे वल्लों यह सारी कार्रवाई की गई है। बाय नेम पांच आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दस दिए कि हलका सानेवाल के अधीन पैंदा है पिंड बनीएवाल, इतों के आप विधायक हरदीप मुंडिया और DSP मौके पर पहुंचे, हालातों का जायजा लिया, जिस तों बाद सारी पूरी कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि जेकर इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की गैर कानूनी माइनिंग होर किसी कोने दे विच हिस्से दे विच हो रही है तो उसनू भी जनतक किया जाए, पंजाब पुलिस को जानकारी दी जा सके, जो इन्हां गैर कानूनी माइनिंग करने वाले आरोपियों का पर्दाफाश हो सके। दस दिए कि जदों की भगवंत मान सरकार पंजाब दे विच बनी है उस दिन तो ही लगातार एक्शन हो रहे हैं, वड्डियां कार्रवाइयां हो रही ने। एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर पर लगातार शिकायतें आ रही ने। कल जलंधर की एक तहसीलदार दफ्तर की एक कलर्क से वड्डी कार्रवाई की गई, रिश्वत लैण के आरोप लगे सी उस महिला कलर्क से, उसनू भी हिरासत में लिया गया। तो अज लुधियाना के पिंड बलीएवाल दे विच गैर कानूनी माइनिंग का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया, उन्हों का समान जब्त किया, तीन टिप्पर और एक JCB मशीन आ जिहड़ी वह भी अपने कब्जे के विच कर ली है और लगातार एक्शन हो रहे ने, वड्डियां कार्रवाइयां हो रही ने। दस दिए कि पिछली सरकार वेले ही गैर कानूनी माइनिंग का मसला पूरे जोर शोर के नाल उभरिया सी, पर इन्हां लोकां ते इन्हां आरोपियों ते जो इस मामले दे विच शामिल ने इन्हां ते कोई कार्रवाई नहीं की गई। भगवंत मान सरकार दे वल्लों दावे किए गए सी कि साडी सरकार आउण ते पंजाब दे विच नाजायज़ माइनिंग आ जिहड़ी ओह बंद की जाएगी, तो उसे नूं मुख रखते हुए लगातार एक्शन हो रहे ने। तां पुलिस आ जिहड़ी पंजाब पुलिस कुंभकलां दी पुलिस आ, जिस दे वल्लों पंज आरोपियों नूं गिरफ्तार किया गया, तीन टिप्पर और एक JCB मशीन आ जिहड़ी ओह जब्त की गई है। इस पूरे मामले के बारे जानकारी देंदे हुए पंजाब पुलिस के अधिकारी ने की कहा, आओ तुहानू एक बार वह भी सुना दें। एक कुंभकले एरिए इलाके एक माइनिंग हो रही थी, जिदे कुछ टिप्पर कुछ JVC बरामद हुए थे, वो कुछ दोषी भी जो बरामद, की मामला सीगा पूरा दिता तो? ये जी 24 तरीक नूं सानूं पता मिली सी कि पिंड बलीएवाल जिहड़ा वो खेतों के एक जमीन टक्क चलाया जा रहा, जितों JCB मशीन की मदद नाल टिप्पर च मिट्टी भर के गैर कानूनी तौर पर माइनिंग की जा रही है। जिसे संबंधित असीं इत्थे गए मौके पर पुलिस पार्टी, तो उत्थे मौके पर असीं JCB चल रही सी, एक टिप्पर च मिट्टी पा रहे सीगे, दो टिप्पर उत्थे खाली खड़े सी, तो असीं उह काबू कीते उत्थे जाके, उन्हां कोल कोई लाइसेंस कोई किसी भी अथॉरिटी वालों कोई परमिशन नहीं सी, तो फिर असी उस चार बंद उ तीन टिप्पर के चालक, एक JCB का चालक, तो पांचवां जिहड़ा इन्हां गड्डियां टिप्पर का मालिक सीगा, वो असी पांच बंदे अरैसट किए मौके पर, तो FIR नंबर 21 अधीन धारा 21 माइनिंग एक्ट, तो दूजा अपना 380 IPC ये असी मुकदमा दर्ज किया, तो पांच बंदे अरैसट कर रहे हैं। तो टिप्पर और सर JVC भी कोई है बरामद जी की मौके पर फड़िया?
हाँ जी, ये एक जे सी बी मशीन है तो तीन टिप्पर बरामद किए हैं तो असी इतने लिया के अपने थाने कराया हुआ दोषियों अदालत पेश करता जुडिशियल मंड भेजा गया। सर इतने मौके पर भी पता लगे कि विधायक भी पहुंचे थे इलाके जो विधायक ने मुंडिया जी। हाँ जी हाँ जी, साढ़े डी एस पी साहब भी मौके पर आ गए थे, मानयोग एम एल ए साहब भी आ गए थे तो बकायदा प्रॉपर कार्रवाई हुई है। सर माइनिंग वास्ते होर किस तरह के कदम है जी? वैसे असी ने पहला भी कई बार वार्निंग की है साढ़े मुलाजमान को भी, मैं हमेशा यह चेतावनी देना हाँ भी किसी की कोई जो कोई मिली भुगत पाएगी तो वो खिलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाऊगा। साढ़े मानयोग सी पी साहब का भी यही हुक्म है कि किसी की भी कोई माइनिंग दे विच जां कोई हो किसी भी इलीगल एक्टिविटी दे विच कोई मिली भुगत पाएगी उहदे च जीरो टॉलरेंस है तो किसी नूं बख्शा नहीं जाऊगा। तो मेरी इलाका च निवासियों नूं भी बेनती है तो चेतावनी भी है कि जिहड़ा कोई गैर कानूनी माइनिंग का धंधा है बिल्कुल बंद किया जाए तो नशे का धंधा जिहड़ा वह भी बिल्कुल बंद किया जाए। असीं बड़े एफर्ट्स भी कर रहे हैं भी जिहड़ा नशा साडे नाल पिंड चौंता है उत्थे काफ़ी बदनाम होया पिंड वो तो उत्थे बख बख जुनियाँ ने पहरा भी लाया है तो वह अच्छा रिजल्ट मिले सूँ। वैसे बाकी सारे पिंड चाहिए इस तरह पहरे ला के जो नशे के कारोबार करने उन्होंने ठल पब्लिक के सहयोग ही पड़ेगी।